नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख ताजा तरीन खबरों पर। मोबाइल चलाने से रोका तो 8वीं कक्षा की छात्रा ने खाया जहर। भराड़ी क्षेत्र के एक गांव में माता पिता ने 13 साल के बच्चे को मोबाइल चलाने से रोका तो उसने जहर खा लिया। उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दायरा गांव में 13 वर्षीय 8वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। छात्रा को प्राथमिक उपचार के लिए परिजन जाहू ले गए, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भोरंज अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरोना काल में एक और झटका, सरकारी सीमेंट 12 रुपये महंगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में एक और झटका लगा है। सरकारी सीमेंट करीब 12 रुपए प्रति बैग महंगा हो गया है। इससे मनरेगा कार्य से लेकर लोनुवी के भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्य करना महंगा हो गया है। पिछले माह ACC सीमेंट का सरकारी दाम 324 रुपए प्रति बैग था, अब यह बढ़कर 336 रुपए 22 पैसे हो गया है। मनरेगा के कामों में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट की रेट भी 7 रुपए तक बढ़ गई है। सिविल सप्लाई की ओर से मिलने वाले सरकारी सीमेंट के रेट बढ़ने से सरकारी भवनों, पुलों और अन्य विकासात्मक कार्य करने वाले लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान महंगाई बढ़ने से लोग परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल के बाद सरसों तेल और रिफाइंड के दामों में भी उछाल आया है। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब अचानक सरकारी सीमेंट के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। रेट बढ़ाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है मालवाहक वाहनों का भाड़ा बढ़ने से ऐसा किया गया है। 10वीं कक्षा के प्रमोट विद्यार्थियों को अंक देने का फॉर्मूला तय, बोर्ड ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना की वजह से प्रमोट किए 10वीं कक्षा के 131,902 विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने के लिए अंकों का फॉर्मूला तय कर दिया है। इन छात्र छात्राओं को 7 प्रकार की श्रेणियों के हिसाब से अंक आवंटित किए जाएंगे। इसमें 9वीं कक्षा का परिणाम, 10वीं के फर्स्ट व सेकेंड टर्म की परीक्षा, प्री बोर्ड एनुअल पेपर, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अंकों को शामिल किया गया है। अगर एक विषय में थ्योरी समेत 100 अंक हैं तो इसमें 10 अंक 9वीं के, 10वीं के फर्स्ट और सेकेंड टर्म के 15-15, प्री बोर्ड के 40, 10वीं के लिए गए एक पेपर के 5, INA के 15 अंक होंगे। इसके अलावा जिन विषयों के जितने प्रैक्टिकल हैं उनके 5 से 25 तक के अंक दिए जाएंगे। फॉर्मूले के अनुसार अगर किसी विद्यार्थी ने 9वीं और 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लिए हैं तो उसे 9 अंक दिए जाएंगे, 80 वाले को 8 और 70 वाले को 7 और 40% वाले को 4 अंक दिए जाएंगे। हर विषय में अंक देने के लिए बोर्ड इसी फॉर्मूले को अपनाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को केवल पासिंग मार्क्स 33 अंक ही जाएंगे। बोर्ड ने अंकों के आवंटन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत कंपार्टमेंट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया गया है। बोर्ड के पास 2,654 विद्यार्थियों ने कंपार्टमेंट की परीक्षा देने के लिए पंजीकरण करवाया था, जिन्हें अब मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ प्रमोट कर दिया गया है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर यह नीति जारी नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही पास थे। वहीं इस बार विद्यार्थियों के पास किसी भी प्रकार का रीचेकिंग और रीइवैल्यूएशन का कोई मौका नहीं होगा। परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी दे सकेंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उन विद्यार्थियों को परीक्षा का मौका देगा जो कि बोर्ड की ओर से अंक आवंटन के लिए तय किए गए मापदंडों से संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए इम्प्रूव ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एक मौका दिया जाएगा।